द जॉइंट, ठीक है। अब जॉइंट क्या है, जॉइंट या फिर आर्टिकुलेशन जो होती है ये वो प्लेस होती है जहाँ पर दो बोन्स क्या होती हैं या फिर बोन और कार्टिलेज क्या होती हैं, जॉइंट होती है। मैंने पहले भी बताया व्हाट इज जॉइंट, ऐसा प्लेस जहाँ पर बोन दो या फिर बोन और कार्टिलेज आपस में क्या हो रही हो, जॉइंट हो रही हो, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। आर्थराइटिस आर्थ्रोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। आर्थ्रोलॉजी इज व्हाट, स्टडी ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज एंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड देयर डिजीजेस आर कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। डिजीज, फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, कार्टिलेज या बोन का क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्थ्रोलॉजी। जॉइंट्स क्लासीफाई आपके पास किसमें किया जाता है, फाइब्रस जॉइंट जिसको हम कहते हैं मूवेबल जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट जो कि स्लाइटली मूवेबल होते हैं, और साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट जिसे हम बोलते हैं। दिस इज फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या है, मैंने फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल जॉइंट को हम कहते हैं, ठीक है। अब व्हेन एडजेसेंट बोन्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, अगर दो जो बोन है वो किससे अटैच हो जाए, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से जॉइंट हो जाए, ठीक है। कंसिस्टिंग मेनली ऑफ कॉलेजिन, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू किससे मिलकर के बनता है, ये चीज़ याद रखना, कॉलेजिन इज अ प्रोटीन, कॉलेजिन से मिलकर के फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज बनेगा, और अगर वो दो बोन्स को जोड़ देता है तो वो जॉइंट कैसा बनेगा, फाइब्रस या फिर इमूवेबल जॉइंट, इट इज कॉल्ड फाइब्रस जॉइंट। इन दिस जॉइंट द बोन्स डू नॉट हैव अ जॉइंट कैविटी, इन बोन्स में कैविटी नहीं होती दो बोन्स के लगने के लिए, बकिया तमाम बोन बॉडी में जितनी भी है ना सब के अंदर क्या होता है, कैविटी होती है, इस तरह से जगह होती है, दूसरे वाले बोन का हेड आकर के इधर लग जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ भी फाइब्रस जॉइंट बनेगा, जहाँ जहाँ भी इमूवेबल जॉइंट बनेगा, जहाँ जहाँ भी आपके पास दो बोन्स आपस में बाय द हेल्प ऑफ कॉलेजिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से जॉइंट हो रहा होगा, वहाँ पर आपके पास जॉइंट होने के लिए कोई कैविटी मौजूद नहीं होगी। तो दिस जॉइंट द बोन डू नॉट हैव अ जॉइंट कैविटी बिटवीन दम, द गैप बिटवीन द बोन्स मे बी नैरो और वाइड। गैप जो होता है ना दो बोन्स के दरमियान, ये गैप नैरो भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन दो बोन्स में अगर कैविटी नहीं है और वो दोनों फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज जो कि कॉलेजिन से बना हुआ है उससे अटैच है, तो वो जॉइंट आपके पास क्या कहलाएगा, फाइब्रस जॉइंट। मतलब ऐसा जॉइंट जो दो बोन्स को जोड़ के रखे, उनको मूव ना होने दे, और उन दोनों बोन्स के दरमियान में क्या मौजूद हो, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद हो जो कि कॉलेजिन से बना हुआ है, और उधर कोई जॉइंट कैविटी ना हो दो बोन्स के दरमियान, तो ऐसा जॉइंट क्या कहलाएगा, फाइब्रस जॉइंट। अब कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है, स्कल में आपके पास पाया जाता है, फिर जो आपके पास रेडियस और अल्ना है, इसी तरह से टिबिया और फिब्यूला है, उसके दरमियान में ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, तो इनके दरमियान में ये जो जॉइंट होता है ये क्या होता है, इमूवेबल जॉइंट होता है। इसके अलावा फाइब्रस जॉइंट आपके पास आपको कहाँ पर मिलता है, जो सॉकेट होता है ना आपका गम सॉकेट, और टूथ जो आपके पास है, टूथ मूव करता है, जब मूव करता है तो टूट जाता है, जब तक वो मूव नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि टूथ और आपके पास जो सॉकेट है, ठीक है, टूथ सॉकेट, उसके दरमियान जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट। टिबिया फिब्यूला और रेडियस अल्ना के दरमियान जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट। और हेड में जो आपके पास जो क्रेनियम है, क्रेनियम में जो बोन्स है वो आपस में जो सूचक से जुड़ी हुई है, वो भी वहाँ पर भी कौन सा जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट। ठीक हो गई बात। अब फाइब्रस जॉइंट कहाँ कहाँ पर मिलता है, मोस्ट बोन्स ऑफ स्कल कॉल्ड सूचर, वहाँ पर फाइब्रस जॉइंट को जो कि स्कल के अंदर मौजूद है वहाँ उसे क्या पढ़ते हैं, सूचर। शार्फ्ट रीजन ऑफ अ लॉन्ग बोन्स इन अ फोर आर्म एंड इन लेग, लेग के अंदर किन दो बोन्स के दरमियान, टीबी और फिब्यूला, और हाथ में आपके पास यानी कि आपका फोर लेम में रेडियस और अल्ना के दरमियान, ठीक है। रूट्स ऑफ टूथ, जो रूट्स है ना आपके पास टूथ का, एंड सॉकेट इन अ मैक्सिला और मैंडिबल फॉर द जॉ बोन्स, वहाँ पर कौन सा आपके पास बेटा जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट। ये बात पेपर में लास्ट ईयर आया था कि टूथ के अंदर जो है आपके पास जो टूथ और उसका सॉकेट है उधर पे कौन सा जॉइंट होगा, फाइब्रस जॉइंट होगा। एग्जाम्पल्स याद रखनी होती है, ठीक है। कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पर आपके पास आपको मिलेगा, एट अ कार्टिलेजिनस जॉइंट द एडजेसेंट बोन्स आर यूनाइटेड बाय अ कार्टिलेज, अगर दो बोन्स किसकी मदद से जुड़ रही है, कार्टिलेज, मतलब एक बोन का कार्टिलेज दूसरे बोन के कार्टिलेज से अगर जॉइंट हो रहा है तो यहाँ पर जो जॉइंट होगा ये कौन सा कहलाएगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट कहलाएगा। अ टफ स्ट्रॉन्ग होता है बट फ्लेक्सिबल, लेकिन मूवेबल होता है, सही है, टफ होता है जैसे रबर, सही है, बड़ा मूवेबल होता है लेकिन टफ होता है, मतलब उसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है, वो टूट नहीं सकता लेकिन वो मूवेबल होता है, कनेक्टिव टिश्यू। दीज टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स लैक अ जॉइंट कैविटी, इनमें भी जॉइंट कैविटी नहीं होती, कैन इन्वॉल्व द बोन्स दैट आर जॉइंट टुगेदर बाय ईदर हाइलाइन कार्टिलेज और अ फाइब्रो कार्टिलेज, यहाँ पर जो दोनों बोन्स जुड़ रही हैं वो कार्टिलेज की मदद से जुड़ रही हैं, और वहाँ पर कार्टिलेज कौन सा होगा आपके पास, अगर फाइब्रस कार्ट, अगर आपके पास क्या था, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज थे तो कौन सा जॉइंट था, फाइब्रस जॉइंट। अगर आपके पास कार्टिलेजेस कौन से हो, हाइलाइन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज, तो वो जो जॉइंट कहलाएगा जहाँ पर हाइलाइन और फाइब्रो कार्टिलेज है वो कौन सा जॉइंट कहलाएगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट कहलाएगा। मतलब ऐसा जॉइंट जो दो बोन्स के आपके पास कार्टिलेजेस के जुड़ने से बने, और कार्टिलेज कौन सा होगा, हाइलाइन या फिर फाइब्रो कार्टिलेज, जो जॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स अलाउ द लिटिल मूवमेंट। सबसे नॉन मूवेबल पार्ट
फाइब्रस ज्वाइंट जहाँ पर होगा, लिटिल बिट मूवेबल पार्ट जहाँ कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होगा। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में आपके पास कार्टिलेज कौन सा होगा, फाइब्रो या फिर हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज की स्पेशलिटी ये वो हाइलुरोनिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लिटिल मूवमेंट द एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस ज्वाइंट आर कोस्टल कार्टिलेजेस जो आपके पास है, सही है। इट अटैचेस द रिब्स टू स्टर्नम, अभी हमने पढ़ा था ना कोस्टल कार्टिलेजेस, आपके पास कोस्टल कार्टिलेजेस जो रिब्स को स्टर्नम से जोड़ती है, वहां पर कौन सी आपके पास मूवमेंट होती है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है तो वहां थोड़ी सी मूवमेंट होती है। जब हम सांस अंदर लेते तो रिब्स बाहर की तरफ आती है, जब सांस हम बाहर छोड़ते तो रिब्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करती है। याद रखना इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हम ऐसे इसको पढ़ेंगे। प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है दो वर्टिब्रीज के दरमियान में, ठीक है, जो ज्वाइंट होता है वो भी ज्वाइंट कौन सा होता है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है। इसके अलावा प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है इधर जो ज्वाइंट है ये कौन सा ज्वाइंट है आपके पास, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। नेक्स्ट साइनोवियल ज्वाइंट, अब ये साइनोवियल ज्वाइंट क्या है, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट जो होता है उसको हम कौन सा ज्वाइंट कहेंगे, साइनोवियल ज्वाइंट। लिटिल बिट मूवेबल ज्वाइंट कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, नॉन मूवेबल ज्वाइंट फाइब्रस ज्वाइंट। दीज आर फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स, एंड्स ऑफ द बोन्स आर कवर्ड बाय द हाइलाइन कार्टिलेज। सिर्फ अगर हाइलाइन कार्टिलेज से कवर्ड है तो कौन सा होगा, साइनोवियल ज्वाइंट। हाइलाइन या फिर फाइब्रोस है तो फिर कौन सा है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। अगर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से कनेक्ट हुआ है जो कि कोलेजन से बना हुआ है तो वो कौन सा ज्वाइंट बनाएगा, फाइब्रस, ठीक है। हाइलाइन कार्टिलेज की एक कैटेगरी है, तो मतलब यहाँ पे लिखा है या फिर हाइलाइन या फिर फाइब्रस, दोनों में से कोई भी हो सकता है, बाज अबाद दोनों भी होते हैं। और इधर सिर्फ और सिर्फ जो साइनोवियल ज्वाइंट होगा जो मूवेबल होगा उधर सिर्फ कौन सा आपके पास होगा, हाइलाइन होगा आपके पास, ठीक है। एंड हेल्ड टुगेदर बाय सराउंडिंग ट्यूब्स लाइक कैप्सूल्स ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यूज, और आसपास उसके फाइब्रस टिश्यूज भी आपको नजर आएंगे, ठीक है। देखो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है आपके पास, इसके आसपास लिगामेंट्स है, ये साइनोवियल कैविटी है और ये ज्वाइंट कैप्सूल आपके पास है। खैर जब हम ज्वाइंट्स को पूरा पढ़ेंगे तो इधर ये आपके पास, अभी आगे देखते हैं क्या लिखा है। हाइलाइन कार्टिलेज एंड हेल्ड टुगेदर बाय सराउंडिंग ट्यूब लाइक कैप्सूल ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यूज, ये जो जहाँ पर मौजूद है आपके पास क्या मौजूद है भाई, कौन सा कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज के बाहर की तरफ आपको क्या मिलेगा, कैप्सूल मिलेगा जो कि किससे बना होगा, फाइब्रस टिश्यूज से बना होगा आपके पास। द ज्वाइंट कैप्सूल इज कम्पोज ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ लिगामेंट एंड एन इनर लाइनिंग ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कैप्सूल है ना जिसने बाहर से क्या किया हुआ, कवर करके रखा हुआ है किस कार्टिलेज को, आर्टिकुलर कार्टिलेज को। इस कैप्सूल की दो पार्ट है, अंदर वाला और बाहर वाला। जो अंदर वाला पार्ट है वो किससे मिलकर के बनेगा, इज कम्पोज ऑफ एन आउटर लेयर फॉर लिगामेंट एंड एन इनर लाइनिंग ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो अंदर की तरफ है वो कौन सी मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसी कैप्सूल की। और वही कैप्सूल जो बाहर की तरफ है वो क्या कहला रहा है आपके पास, द जॉइंट कैप्सूल इज कम्पोज ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ लिगामेंट। बाहर का हिस्सा क्या कहलाएगा उस कैप्सूल का, लिगामेंट। अंदर का हिस्सा क्या कहलाएगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या पड़ा हुआ होता है आपके पास, साइनोवियल फ्लूइड। और उधर दो कार्टिलेजेस आपके पास, यानी दो कार्टिलेज हैं, कार्टिलेज दो आपस में जो है, उधर क्या कौन सा आपके पास लिक्विड पड़ा हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड को रोक के रखने के लिए बाहर कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर की तरफ एक, कैप्सूल के अंदर की लाइनिंग और बाहर की लाइनिंग, अंदर की लाइनिंग साइनोवियल मेम्ब्रेन, बाहर की लाइनिंग, अंदर की लाइनिंग क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, और बाहर की लाइनिंग लिगामेंट्स। क्लियर हो गए बात, सबसे पहले लिगामेंट, फिर अंदर वाली लाइनिंग साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसके अंदर फ्लूइड दैट इज साइनोवियल फ्लूइड जो कि दो कार्टिलेजेस के दरमियान में। और वो कार्टिलेजेस कौन से कार्टिलेजेस हैं, अभी पढ़ा इधर ऊपर हाइलाइन कार्टिलेजेस आपके पास है, ठीक है। मैंने बताया साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करता है, क्या सिक्रीट करता है, साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करता है। और हाइलाइन कार्टिलेज क्या सिक्रीट करता है, हाइलुरोनिक एसिड सिक्रीट करता है। एग्जाम्पल इसकी हिंज ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। एग्जाम्पल याद रखना भाई, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट या फिर हिंज ज्वाइंट या पाइवट ज्वाइंट कौन सा होता है, साइनोवियल ज्वाइंट्स आपके पास कहलाते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक कनेक्शन ये हमें नहीं बोला गया पढ़ने के लिए, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।